ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। कि मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ तो उसका सारा का सारा जो कारण है वो मनोहर लाल जी हैं। ये महसूस हो रहा था कि नहीं, ये अभी पिक्चर है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है। मैंने कहा कि हरियाणा को अभी एक नई दिशा मिली है, लंबे समय के बाद मिली है, क्योंकि मैं उन चीजों को अनुभव कर रहा था, मैं उनको देख रहा था, मैंने वो भी समय देखा है कि लंबे समय तक लोग किसी सुविधा को लेने के लिए संघर्ष करते रहे, परंतु उनको वो सुविधा नहीं मिली। 9 वर्षों में वो सिस्टम खड़ा किया, उसके घर पे जाकर के वो सुविधा मिली। लोगों को इस बात को लेकर के संतोष है कि सरकार ने आकर के ये सारी सुविधाएं हमारे घर तक पहुंचाई हैं। ये आम व्यक्ति की बात है हरियाणा के अंदर, जो लगातार चक्कर काटता रहता था, घूमता रहता था, परंतु एक सिस्टम को ठीक करने के बाद डायरेक्ट लोगों तक वो लाभ पहुंचे। तो मेरे को कहा गया कि आपने बोलना नहीं है कुछ भी, आपने कुछ नहीं कहना, आपने देखना है। मैं देख रहा हूं, मैं उस दिन का मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो देख ही रहा हूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये बात भी अगर कहीं संभव है तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने अभी मन से कहा कि अगर किसी और दल का विषय होता, आप देख रहे हैं, मैं भी देखता हूं, बड़े बड़े बोर्ड भी लग जाते हैं, अपने आप को उसके अंदर शामिल भी किया जाता है। मैं अभी अपने गांव के अंदर नगर खेड़े पे मत्था टेकने के लिए गया तो वहां पर पूरा गांव था, और गांव के साथ साथ और भी नजदीक के कई गांव के लोग वहां पर थे। तो मैं उनसे बोल रहा था, मैं कहा ये जो बात हुई है ये बात भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, ये साधारण विषय है, एक बड़ा विषय है। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने आज यहां पर ला करके खड़ा कर दिया। और मुझे कई दिन से ये महसूस हो रहा, क्योंकि मैं सीखा है मैंने बहुत कुछ, और लगातार जो भी आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा है मैंने उसको कहीं ना कहीं संजोया है। उस बात को मैंने कभी भी कोई ऐसा जो भी काम कहा उस काम को मैंने पूर्ण किया है, मैं बोला नहीं हूं, आज तक नहीं बोला। आज अगर यहां पर जब मुझे खड़ा किया गया तो मुझे तब भी ये महसूस हो रहा था कि नहीं, ये अभी पिक्चर है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है। परंतु देखते ही देखते ये सारा जो सिनेरियो बदला है, मुझे एक पीड़ा उसके अंदर से जरूर हो रही है कि मैंने जिससे सीखा है और मैं उस बात से कई दिन से अपने मन के अंदर ले रहा हूं उस बात को, मैं
क्योंकि मैंने कहा है कि मैं परिवार के अंदर इस बात को शेयर कर रहा हूं। अभी अंत में मुझे ही खड़ा कर दिया बोलने के लिए, ये मेरी एक पीड़ा है। एक प्रोटोकॉल है हम मानते हैं, परंतु उसके बाद भी कुछ जज्बात होते हैं व्यक्ति के। जहां से मैंने सीखा है और जिसने उंगली पकड़ करके आगे बढ़ाया है, जिसने उंगली पकड़ करके खड़ा किया है, मेरी कल्पना से परे की बात है कि मैं अगर यहां पर खड़ा हूं तो उसका सारा का सारा जो कारण है वो मनोहर लाल जी हैं।